हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वकैब के क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स सेक्शंस में ये आते हैं, उसके साथ में आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेक्शन होता है उसमें ये वर्ड्स आते हैं। हम पहले वर्ड्स के मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उनको किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है एग्जाम्पल सेंटेंस डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। ठीक है, आज ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है आज का हमारा वो है गलीबल। गलीबल वर्ड आप लोग जानते होंगे, बड़ा कॉमन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि बड़ा सीधा साधा भोला भाला होता है और दूसरे की बातों को मान लेता है, मतलब लोग उसको इजिली ट्रिक कर लेते हैं, ऐसे पर्सन को गलीबल कहा जाता है। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो इनोसेंट, गाइललेस, इंजेन्युअस, क्रेडुलस, क्रेडुलस, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। सीधा साधा, जिसको कि लोग ट्रिक कर लेते हैं, जो दूसरों की बातों में आ जाता है, उनकी बात मान लेता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, ही कन्विंस द गलीबल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ अ प्लॉट टू किल द प्राइम मिनिस्टर, कि उसने जो गलीबल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जिनको इजिली ट्रिक किया जा सकता था, उनको कन्विंस कर लिया। किस चीज को लेकर कन्विंस कर लिया? ऑफ अ प्लॉट टू किल द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब किल किए जाने का एक प्लॉट, ये उसने उनको कन्विंस कर लिया कि किसी ने एक मतलब प्लानिंग की है प्राइम मिनिस्टर को किल करने की, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसकी बात का भरोसा भी कर लिया। ठीक है, तो गलीबल के सिनोनिम्स हो गए इनोसेंट, गाइललेस, इंजेन्युअस और क्रेडुलस, और इसका मतलब होता है जो दूसरे की बातों पर भरोसा कर ले, बिलीव कर ले इजिली, दूसरे की चालाकी को समझ ना पाए। फिर वर्ड आ गया हॉटी। हॉटी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, आप में से ज्यादातर बच्चों ने कभी इसको पढ़ा होगा या पेपर में देखा भी होगा। इसका मतलब होता है घमंडी व्यक्ति, इसका मतलब होता है घमंडी व्यक्ति। ठीक है, इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो वेन, वी आई एन वेन, कंसीटेड, प्राउड, ओवरबेयरिंग, ये उसके कुछ सिनोनिम्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द यंगेस्ट प्रिंस वॉज हॉटी एंड क्रूअल, रेपेसियस एंड गिवन टू लग्जरी। गिवन टू का मतलब होता है अडिक्टेड टू, गिवन टू का मतलब आप ध्यान रखेंगे अडिक्टेड टू। तो हमने कहा जो सबसे छोटा वाला राजकुमार था वो घमंडी था, क्रूर था, निर्दयी था। रेपेसियस का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पाने का लालच हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश रखता हो, पाना चाहता हो, ग्रीडी, एवराइज, ठीक है, ऐसा था, और वो लग्जरी का अडिक्टेड था, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखें, मॉलिफाई। अच्छा, एक काम और करते हैं हम लोग यहाँ पर ना, इन वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे क्या रहेगा कि आप इनका यूज जो है ना वो बेहतर समझ पाएंगे। गलीबल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, हॉटी वर्ड भी एडजेक्टिव है, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो आपके एडजेक्टिव हैं, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टू वर्ड्स हैं, इनमें से मॉलिफाई वर्ड जो है ये वर्ब है, इनेट वर्ड जो है एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने से हम उस वर्ड का जो यूज होता है वो सही कर पाते हैं सेंटेंस में। देखिए, मॉलिफाई एक वर्ड जो है ये वर्ब है। मॉलिफाई करने का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि भड़का हुआ है, गुस्से में है, उसके गुस्से को या उसको शांत करना, इसको कहते हैं मॉलिफाई करना। इसके सिनोनिम्स देखें, सबसे पहले प्लैकेट, पैसिफाई, अले, काम, अश्वेज, प्रोपिशिएट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल देखें, द प्रेसिडेंट ट्राइड टू मॉलिफाई द पब्लिक एंगर, कि प्रेसिडेंट ने जो जनता का गुस्सा था उसको मॉलिफाई करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? बाई लिविंग हिज लग्जरियस होम टू लिव एन एसेटिक लाइफ इन अ मोनेस्ट्री, अपना जो लग्जरियस होम था उसको छोड़कर एक मोनेस्ट्री होता है जहाँ पे मंक्स रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, वहाँ पर रहा जाके प्रेसिडेंट, जिससे कि जो जनता का उसको लेकर गुस्सा था वो शांत हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, एक वर्ड मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, आप वो भी ध्यान रखेंगे, मिटिगेट। ठीक है, ये भी वर्ड आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आ गया इनेट। इनेट जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है। इनेट का मतलब होता है समथिंग बाय बर्थ, कि हमारे अगर कैरेक्टर में कोई ऐसा फीचर है या कोई ऐसा हमें टैलेंट है जो कि नेचुरल है, मतलब हमने वो अक्वायर नहीं किया है बाय ट्रेनिंग या बाय प्रैक्टिस, उसको हमने अक्वायर नहीं किया,
वो बाय नेचर, बाय मतलब बाय बर्थ हमारा मतलब फीचर है, तो उसको हम इनेट कहते हैं। इनेट के सिनोनिम्स देखिए, इनबॉर्न, कंजेनिटल, नेचुरल, इनहेरेंट, इंस्टिंक्टिव, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। चॉम्स्की दस क्लेम्ड दैट चिल्ड्रन हैव इनेट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की एक पेडागोजी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्लेम किया, क्या क्लेम किया, दैट चिल्ड्रन हैव इनेट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होती है, मतलब भाषा को लेकर जो उनकी समझ होती है, भाषा को लेकर जो उनके अंदर क्षमताएं होती हैं, वो जन्मजात होती हैं, नेचुरल होती हैं। अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, जो कि इस चीज का रिफ्लेक्शन है कि ग्रामर जो है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड आ गया लोक्वासेस। अच्छा, लोक्वासेस वर्ड ये भी बड़ा कॉमन और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव होता है, आप ध्यान रखेंगे, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एंड ओमिनस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब हम इनके मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है लोक्वासेस। लोक्वासेस वर्ड का मतलब होता है बातूनी, वन हु टॉक्स मच, कोई ऐसा पर्सन जो कि ज्यादा बात करता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो टॉकेटिव, गैरुलस, प्रोलिक्स, इफ्यूजिव, इफ्यूजिव, ओके, इफ्यूजिव, वॉल्यूबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैड नीदर द पेशेंस नॉर द टैक्ट फॉर मैनेजिंग लोक्वासेस पार्लियामेंट्री पेडेंट्स। अब कोई पर्सन है, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि ना तो उसमें धीरज था, ना ही उसमें कला थी, टैक्ट का मतलब है आर्ट, कला, स्किल, ना ही उसमें पेशेंस था, ना ही उसको कला थी किस चीज की, फॉर मैनेजिंग लोक्वासेस पार्लियामेंट्री पेडेंट्स। पेडेंट वर्ड जो होता है, आपने सुना होगा, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। पेडेंट का यूज हम करते हैं किसी ऐसे पर्सन को रेफर करने के लिए जो कि जो नियम कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको बड़ी बारीकियों से समझता है और उनको बड़ी बारीकियों से अप्लाई भी करता है, उसको पेडेंट कहते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि जो लोकवासेस मतलब ज़्यादा बात करने वाले जो पार्लियामेंट्री पेडेंट्स हैं, ना तो उनको मैनेज करने के लिए उसमें धीरज था कि उनको मैनेज कर पाता, और ना ही उसमें कला थी कि उनको वो मैनेज कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ गया ओमिनस। ओमिनस हम कहते हैं, ओमिनस वर्ड का यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किसी इवेंट, किसी सिचुएशन को, किसी घटना को जो कि बैड इफेक्ट कैरी करती है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इविल है, बुरी है। ठीक, इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सबसे सटीक एग्जांपल इसका हो जाएगा अनफेवरेबल। अब फेवरेबल का मतलब आप लोग जानते हैं, फेवरेबल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए सुटेबल है, फायदेमंद है। अनफेवरेबल का मतलब कुछ ऐसा जो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, आपके लिए मतलब खतरा है। इंग्लिश में एक मूवी भी है, हॉरर मूवी है, अगर तुम में से किसी बच्चों ने देखी हो तो जल्दी मीनिंग समझ जाएंगे, सिनिस्टर, इसका मतलब सिनिस्टर भी होता है। बेलफुल, बेल का मतलब बुरा होता है, बैड होता है, बेलफुल, डायरफुल, मेनेसिंग। ठीक है, ये इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं ओमिनस के। एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे, द वेदर रिमेंड ओमिनस विद डार्क क्लाउड्स रोलिंग इन पुश्ड बाय एन एवर इंक्रीजिंग विंड। विंड कहते हैं मूविंग एयर को, चलती हुई हवा को, बहती हुई हवा को विंड कहा जाता है। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि जो वेदर था, मौसम था, वो रिमेंड बना हुआ था, कैसा बना हुआ था, ओमिनस, खतरनाक, ठीक है, बुरा, विद डार्क क्लाउड्स रोलिंग इन, घने काले बादल जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे। अच्छा, कैसे इकट्ठे हो रहे थे, पुश्ड बाय एन एवर इंक्रीजिंग विंड, जो विंड थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी उसकी स्पीड, और वो बादलों को पुश कर रही थी, मतलब उसने एक डरावना माहौल, डरावना एक मौसम जो है वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी जो डरावनी थी, भयंकर थी, सिनिस्टर थी। ठीक, तो ये ओमिनस का मतलब समथिंग विच इज बैड, नॉट गुड। नेक्स्ट वर्ड है परपिचुएट। परपिचुएट वर्ड जो है ये एक वर्ब है, आप ध्यान रखेंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है, और पर्टिनेंट का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव। आप देखिए, परपेचुएट जो वर्ड है, अच्छा ये जो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा हूं, एक बार सारे बच्चे ध्यान रखेंगे
कि जब हमसे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है वो वर्ब है, तो उसका जो आप सिनोनिम बताओगे वो भी वर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन का नाउन होना चाहिए, एंड सो विद द एंटोनिम्स, कि कोई भी वर्ड जो हमें दिया गया है जब हम उसका एंटोनिम या सिनोनिम बताते हैं तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच वही होना चाहिए जो ओरिजिनल वर्ड का होता है, ठीक है। परपेचुएट वर्ब होती है, परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी घटना को, किसी भी कंटिन्यू रखना, उसको आगे बढ़ाते रहना, उसको स्टॉप नहीं होने देना, इसे कहते हैं परपेचुएट। आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं कि इंग्लिश में वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब विच गोज ऑन फॉर एवर, परपेचुअल मीन्स विच गोज ऑन फॉर एवर, जो हमेशा चलता रहे, निरंतर बना रहे, ठीक है। तो परपेचुएट का आप उसी से मीनिंग रिलेट कर सकते हैं कि परपेचुअल एडजेक्टिव है विच मीन्स विच गोज ऑन फॉर एवर, परपेचुएट वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज को बनाए रखना, आगे बढ़ाते रहना, रोकना नहीं। इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू हो जाएगा इसका, ठीक है, एक्सटेंड, प्रोलॉन्ग, प्रिजर्व, कैरी ऑन, ये इसके सिनोनिम्स हैं परपेचुएट के, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे, मैनी हिस्ट्री बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड विच परपेचुएट लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड मिथ्स, कि काफी ऐसे हिस्ट्री बुक्स पब्लिश की गई हैं जो कि लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड, बहुत पहले एस्टेब्लिश किए गए जो मिथ्स हैं उनको आगे बढ़ाती रहती है, मतलब उन हिस्ट्री बुक्स में उन मिथ्स के बारे में पढ़ने को मिलता रहता है, जिससे कि वो जो बहुत पहले एस्टेब्लिश किए गए मिथ्स हैं, ठीक है, वो मिथ्स उन हिस्ट्री बुक्स के थ्रू आगे बढ़ते रहते हैं, एक्सटेंड होते रहते हैं, कॉन्टिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो परपेचुएट का मतलब है किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, किसी एग्जाम्पल को बढ़ाते रहना, उसको खत्म नहीं होने देना, रुकने नहीं देना, परपेचुएट करते रहना, सो दैट इट बिकम्स परपेचुअल, जिससे कि परपेचुअल हो जाए। फिर आ गया पर्टिनेंट। अच्छा, पर्टिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बताऊं, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। एंटोनिम्स सिनोनिम में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोज टेस्ट के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड, रेलिवेंट, कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई बातचीत कर रहे हैं, तो उससे जो भी संबंधित है, जो उसको समझने के लिए, उसके लिए नेसेसरी है, उसको हम कहते हैं पर्टिनेंट। पर्टिनेंट के एग्जाम्पल्स देखिए, मतलब सिनोनिम्स देखिए इसके, सबसे पहला और सबसे एग्जैक्ट सिनोनिम्स तो इसका रेलिवेंट ही हो गया, रेलिवेंट हो गया। एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है इंग्लिश में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अपोजिट। यहां पे ध्यान देंगे, ये ए है, ओ नहीं है, जो अपोजिट होता है जिसमें ओ लिखा होता है उसका मतलब होता है कॉन्ट्ररी, विपरीत, ये है ए वाला अपोजिट। इस अपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर, सुटेबल, फिटिंग, एप्रोपोज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो पर्टिनेंट मीन्स रेलिवेंट, अपोजिट, सुटेबल, फिटिंग, अप्रोपोज। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द रिमाइंडर ऑफ द डे सॉ द अटेंडीज वर्क विद इन ग्रुप्स डिस्कसिंग इश्यूज पर्टिनेंट टू देयर ऑन प्रैक्टिस, कि बाकी बचे हुए दिन में जो अटेंडीज थे वो ग्रुप्स में डिस्कस करते रहे, क्या डिस्कस करते रहे, इश्यूज पर्टिनेंट टू देयर ऑन प्रैक्टिस, उनकी अपनी प्रैक्टिस, जो भी जिसका भी जो काम था उससे रिलेटेड, जो उससे संबंधित, पर्टिनेंट का मतलब संबंधित, उससे रिलिवेंट, उससे संबंधित जो इश्यूज थे वो उनको ग्रुप्स में डिस्कस करते रहे। तो पर्टिनेंट जो है ना, ये एडजेक्टिव है, इश्यूज को डिस्क्राइब कर रहा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड रॉकस। अच्छा, रॉकस वर्ड जो होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एडजेक्टिव है, द वर्ड रॉकस इज एन एडजेक्टिव, एंड स्क्रुपुलस इज एन एडजेक्टिव एज वेल, ये भी एडजेक्टिव है, बोथ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। अब देखिए, रॉकस का मतलब, रॉकस का यूज हम करते हैं किसी इवेंट या किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, मतलब बेतरतीब है, जिसमें बहुत गुड शोरगुल है, जिसमें बहुत ज्यादा, उसे हम कहते हैं रॉकस, ठीक। इसके सिनोनिम्स देखिए, लाउड, नॉइजी, डिस्कॉर्डेंट, वाइड, क्लैमरस। क्लैमर का मतलब शोरगुल होता है, क्लैमरस का मतलब कुछ ऐसा, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा इवेंट जिसमें बहुत शोरगुल होता हो, ठीक है। कैकोफोनस, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे, चिल्ड्रंस टैप डांसिंग सेशंस। टैप डांसिंग मतलब अ काइंड ऑफ डांस होता है, टैप डांस एक पर्टिकुलर डांस होता है जिसमें
म्यूजिक जो होता है उसकी बीट या उसके रिदम पे पैरों से टैप किया जाता है फ्लोर पे, ठीक है, उस तरीके से डांस करते हैं। तो अगर सीजनड एक्सपर्ट लोग होते हैं तो वो तो रिदम कर लेते हैं म्यूजिक के साथ में, लेकिन जो बच्चे होते हैं स्पेशली, ठीक है, वो उसके साथ में बीट के साथ में या रिदम के साथ में मैच नहीं कर पाते हैं अपने टैपिंग्स को, और फिर वो शोर होना शुरू हो जाता है। मतलब उनका जो टैप डांस होता है एक तरीके से शोरगुल वाला इवेंट बन जाता है। तो वही एग्जाम्पल इसमें समझाया गया है। चिल्ड्रंस टैप डांसिंग सेशंस आर अ रॉकस इवेंट। बच्चों के जो टैप डांसिंग सेशंस होते हैं वो नॉइजी इवेंट होते हैं, नॉइजी, ठीक है, स्पेशली खास करके इफ द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज फेयरली लार्ज। अगर जो बच्चों का ग्रुप है वो लार्ज हो, फेयरली लार्ज हो, ठीक है, तब तो फिर वो पूरा शोरगुल वाला इवेंट बन जाता है, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रुपलस। स्क्रुपलस जो वर्ड होता है आपका, इसका मतलब होता है समथिंग विच हैज बीन प्लान्ड वेरी केयरफुली, कुछ ऐसा जिसको बड़ा केयरफुली प्लान किया गया, ठीक है, सोच समझ के, उसको हम कहते हैं स्क्रुपलस, बुद्धिमानी भरा हिंदी में अगर हम कह सकते हैं। इंग्लिश में इसके अगर हम मीनिंग्स देखें तो इंग्लिश में इसके मीनिंग्स हो जाएंगे केयरफुल, मेटिकुलस, एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है सेडुलस, और एक वर्ड होता है कंसेंशियस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल से समझना, मतलब वेल थॉट, स्क्रुपुलस का मतलब वेल थॉट, अच्छे से सोच समझ के लिया गया डिसीजन, या कुछ भी ऐसा काम जो बहुत सोच समझ के किया गया, ठीक है, समझदारी के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे, द फर्नीचर एंड एसेसरी ऑफ द चैम्बर, कोई चैम्बर है उसमें जो फर्नीचर और एसेसरी हैव बीन रेंडर्ड विद स्क्रुपुलस एग्जैक्टनेस, उनको मतलब बड़ा ही स्क्रुपुलस एग्जैक्टनेस से बनाया गया है। मतलब स्क्रुपुलस का मतलब सोच समझ के, केयरफुली, मेटिकुलसली उनको प्लान करके, उनको एसेसरीज को, फर्नीचर को डिजाइन किया गया और उनको बनाया गया, उनको मतलब एग्जैक्टनेस जो दी गई है ना वो स्क्रुपुलस है, एंड डिस्टिंक्टनेस, तो ये स्क्रुपुलस का हो गया। स्क्रुपुलस का मतलब वेल थॉट, वेल प्लान्ड, अच्छे से सोच समझ के किया गया काम। तो ये वर्ड्स है, ये इनके सिनोनिम्स हो गए। आप इसको वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार देख सकते हैं, अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। फिलहाल में ये जो पीडीएफ मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है एसेक इंग्लिश, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा ज्वाइन, एसेक इंग्लिश। बाकी मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कोचिंग का नंबर है। और एक चीज़ और, ये जो वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिनके मीनिंग समझाए हैं, सिनोनिम्स बताए हैं, एग्जाम्पल भी दिया है जिससे कि हमें पता चल पाए कि भाई इस वर्ड का सेंटेंस में यूज कैसे होता है, ये तो हो गया। अब अगर आपको इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, ये जो 10 वर्ड्स हैं और इनके जो सिनोनिम्स हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, अगर आपको इन 10 वर्ड्स का यूज करना है, प्रैक्टिस असाइनमेंट चाहिए, तो आपको हम प्रैक्टिस असाइनमेंट भी अवेल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं करना है, यू हैव टू सिंपली कॉन्टैक्ट अस ऑन आर व्हाट्सएप नंबर। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे कॉन्टैक्ट कीजिए, एंड वी विल शेयर द प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑफ दीज वर्ड्स विद यू। हम इन वर्ड्स का प्रैक्टिस असाइनमेंट आपके साथ में शेयर करेंगे, और फिर उसके 1 या 2 दिन बाद में हम उसके आंसर की भी आपको अवेल करवा देंगे, जिससे कि आप अपने आंसर्स को टैली कर लेंगे, ठीक है। ये सेशन कैसा लगा, ये एफर्ट कैसा है, शुड वी हैव मोर सच सेशंस ऑन वकैब, इस तरीके के हमें और भी सेशंस लाने चाहिए, इसको लेकर अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करना इस वीडियो पर, और बाकी अपना एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश।